चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो आज का वीडियो आप लोगों से मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। फिलहाल आज से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, मैं डेली आप लोगों से कोई ना कोई व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एंड अभी मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर वाला वीडियो जो है ना वो शूट किया है। सो अभी बिल्कुल वीडियो जो है ना ख़त्म हुआ है और अभी मैं बिल्कुल फ्री हुई हूँ और आज मैं अपने सेकंड फ्लोर में हूँ, फिलहाल बैठी हुई हूँ। और आज मैंने ये साइड जो है ना मेरा मन था बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ सामने लाइट नहीं थी और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, मेरे कई सवाल ये समझ लीजिए मुझे कितनी मेहनत लगती है। आप लोग मेरे वीडियो नहीं वॉच करते हैं, वीडियो नहीं पसंद करते हैं, मुझे कि वीडियो बनाने में पता कितनी मेहनत लगती है। देखिए अभी आधा सामान में यहाँ लेकर सारा अपना पिटारा जो है ना मैं यहाँ लेकर आई हूँ ऊपर वीडियो बनाने के लिए, फिर इसको शाम को नीचे ले जाऊँगी, फिर आऊँगी फिर ऊपर। तो ये समझ लीजिए मुझे एक एक वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी। पर आप लोगों की मेरी मेहनत से जो है ना आप लोग मेरा हेल्प ही नहीं करते हो बिल्कुल भी। तो प्लीज़ यार आप लोग मेरा वीडियो जो है ना पसंद किया करिए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिएगा। आज का व्लॉग आप लोगों से जो मैं शेयर कर रही हूँ, ओ माय गॉड, अभी कितना टाइम हुआ है, अभी बज रहा है, देखिए कितना बज रहा है, 2:37 हो रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसे मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है। तो ये देखिए 2:37 हो रहा है और मेरी फ़ोटो का वॉलपेपर लगा हुआ है। तो बताइएगा ज़रूर, ये शादी में गई थी ना तब की फ़ोटो है ये। और चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, मिलती हूँ आप लोगों से मैं और देखती हूँ और क्या वीडियो शूट कर पाती हूँ। चलिए वीडियो देखती हूँ मैं और मुझे क्या क्या शूट करना है। मैंने कुछ वीडियो शूट किया, मैं इतना थक गई हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नींद लग रही है, कुछ कहने को नहीं। सोच रही थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ बीच में और मैं मुझे लगा चलो आप लोगों से बात ही कर लूँ। ये देखिए ऊपर मेरा लगा हुआ, मैं उसी के नीचे बैठी हूँ, ये सिर्फ लाइट की वजह से प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही थी। और आज का मौसम सुबह से बहुत अच्छा है, थोड़ी सी बारिश वगैरह हुई थी, कल भी बारिश हुई थी पर धूप निकल आई थी। तो बताइएगा ज़रूर आज आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा। ओ माय गॉड, चल नहीं पा रही हूँ मैं, ये समझ लो मेरा पैर। मैं अभी थोड़ी देर ब्रेक लेती हूँ, अभी नहीं आऊँगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। अरे यार मैंने मोबाइल नहीं लिया, दो मोबाइल, ये समझ लीजिए मुझे इतना भारी पड़ जाता है संभालना, मैं भूल जाती हूँ। और ये वाला मैंने साइलेंट कर रखा था बिकॉज मुझे डिस्टर्ब ना हूँ कोई का, किसी का फ़ोन ना आए, क्योंकि फिर क्या है ना वॉइस में जानते हैं, अब म्यूज़िक आ जाए तो क्या होता है। और चल नहीं पा रही हूँ मैं, एक मिनट अभी नीचे पहुँचती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ इसलिए ना मैं उस दिन सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं बच गई थी गिरते हुए, नहीं तो मैं बहुत बुरा गिरती सीढ़ी में, मतलब हाथ पैर वगैरह जो है ना सब टूट जाते हैं। थोड़े से बर्तन रखे थे आज, एक बार वो धुल चुकी थी ऑलरेडी, दोबारा फिर धुलने की हिम्मत नहीं थी मेरे को, यार पहले मैं अपना काम कर लूँ फिर उसके बाद ही बर्तन वर्तन धुलूँगी। और बेटो स्लो कर दो, ओ इन लोगों की टीवी, होमवर्क हो गया, आप टीवी बंद करो, होमवर्क करो। आज मौसम बहुत अच्छा है बाहर का। अभी मैंने रेमडी शेयर किया है, ये व्लॉग आप लोग को बाद में ही देखने को मिलेगा, रेमडी वगैरह हर चीज़ सारी चीज़ें जो है ना शेयर करने के बाद। तो ये समझ लीजिए अभी मुझे कितना टाइम हो रहा है, चलिए देखते हैं, 4:00 है। तो चलिए अभी मुझे कुछ हेयर स्टाइल्स वीडियो भी मतलब क्रिएट करना है, हेयर स्टाइल्स वीडियो। और मेरे बालों की इतनी बुरी दशा है ना कि मतलब आज वॉश करना था, मौसम की वजह से इतना ठंडा मौसम था कि फिर मैंने सर में दर्द शुरू हो जाता, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सर में दर्द होने लगता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और अभी चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है मेरा, तो देखती हूँ चाय बनाती हूँ अपने लिए, या पहले मैं सोच रही हूँ कि कुछ वीडियोस बना लूँ उसके बाद फिर मैं फ्री होकर आराम से चाय पीऊँगी। तो चलिए ये वाला होमवर्क करो, फिर उसके बाद मैं दूसरा कराऊँगी, मैथ वाला 2 है, अभी इसको होमवर्क करवा रही हूँ मैं, उसके बाद फिर जो है अभी चाय वगैरह पी लिया है।
आज का मेकअप। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं और ये देखिए, ये देखिए डैडा और बेटी में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या खाया जा रहा है, चुपके चुपके। अभी टंकी ना अभी पोछ के थोड़ी देर बाद मैं रख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप हटाना नहीं इसको, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? ब्लाडो के लिए, मेरी। जब से आए हैं ना घर में तो ये देखिए लीड लगी हुई है, वो ईयरबड्स लगे हुए हैं, फोन पे बस फोन पे लगे हुए हैं, टाइम नहीं रहता बिल्कुल भी। और आपकी पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? एक मिनट बचे। हाँ तो बस जल्दी से फिनिश करो, जल्दी से कंप्लीट करना, जल्दी से। देखिए अभी भी फोन पे लगे हुए, ये देखिए वहाँ पे लेट जा, ये देखो आराम से मैच देख रहे हो ना, देख रहे हैं कितना ज्यादा बिजी रहते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और बस आते हैं फोन पे लगना, फोन पे तो बात आएगा, मतलब ये तो फोन पे फोन आते रहते हैं, तो फोन पे वो रिसीव करेंगे और बस यही टाइम है हमसे ना। और मैंने कुछ अलग व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं ना इतने सारे, आज मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, देख रहे हैं मेरे बाल थोड़े से बिगड़ गए, मैं थोड़ा सा लेट ही थी, सुबह से बैठना था बिल्कुल, जिस मुश्किल से 10 मिनट में लेट पाई हूँ। और फिर मुझे इतने सारे आज वीडियोस बनाए तो मैं सारे एक एक करके अपलोड मतलब ना एडिट करके रख रही थी कि सारे जो है ना एक एक करके एडिट करके रख लूँ तो मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मोबाइल कितना बहुत ज़्यादा भर जाता है। और देख रहे हैं मैं कितना थकी हूँ, 2 वीडियो कल के लिए अपलोड कर चुकी हूँ मैं, बस उसमें थंबनेल और टाइटल डालना है मुझे बस, और सारे काम हो गए, बाकी के जो है ना कुछ वीडियोस और मुझे एडिट करने हैं, कुछ क्या कई वीडियो हैं, कुछ काफ़ी बड़े हैं तो उनको एडिट करने में भी मुझे टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा, तो देखते कितना टाइम लगता है। सो चलिए अभी डिनर वगैरह तो हम लोग नहीं करेंगे, और इस समय तो मैं डिनर रात में करती ही नहीं हूँ, अवॉइड रहता है मेरा डिनर। कल एक गिलास दूध पी लिया था रात में, और एक गिलास दूध पी लिया था और क्या था, एक एप्पल खा लिया था मैंने, और पूरा एप्पल, एप्पल होते कितने बड़े। और आज कॉम्प्लेक्स खाऊंगी आज रात में, क्योंकि शाम को आज मैंने सिर्फ चाय पिया था। कल शाम को क्या बना था सिया, कुछ बना था ना, पास्ता खाया था मैंने, थोड़ा सा खाया था, पर फिर मैंने रात में डिनर अवॉइड कर दिया बिल्कुल। मैंने इसे मैं यही कर रही हूँ, जो भी है आप डाइट समझो, कुछ भी समझो, मैं यही सोच रही थी। चलिए थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बन चुका है शाम को ही बेसन के गट्टे की सब्जी बनी है, और किसे पसंद है बेसन की गट्टे की सब्जी ज़रूर बताइएगा मुझे, शेयर मुझसे करिएगा। बेसन की गट्टे की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और असल ना हफ्ते में एक दो बार, मतलब एक बार तो बनना ही बनना होता है बेसन की गट्टे की सब्जी। सो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। सो ये देखिए अभी मैंने ना मजा आई थी कॉम्प्लेक्स खाने, बिकॉज कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया था। बेटो स्लो कर दो। तो ये डोसा पैटर्न आता है बना बनाया, आपको आटा मिल जाएगा इसके अंदर, ये देख सकती हैं आप। और ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा है, बट मैं इसको डिनर में खा रही हूँ। ये देखिए इसमें आटा है और ये काफ़ी बड़ा है, 1/2 किलो का पैकेट है ये, और ये देख सकते हैं आप मैंने इसमें इतना बनाया है, और इसमें मैंने ना पानी डाला है। अगर ये वैसे दही से बनता है, आप इसे दही में जो है ना ऐड कर ले, इसमें दही डाल ले, या मतलब वेजिटेबल्स डाल ले, जो भी आपके पास हो, तो उतनी चीज़ें आप इसे मिक्स करके बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। पर मेरे पास अभी कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, सो मैंने इसमें दही इसलिए नहीं यूज़ कर रहा मैंने, क्योंकि मौसम चेंज है और नुकसान कर जाता है ना, इसी वजह से मैंने दही नहीं ऐड किया। तो चलिए क्या है, मैंने इसको काफ़ी रेडी कर लिया है, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, बिकॉज मुझे हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है। आपके पास घी है, आप घी यूज़ करिए, बटर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास वैसे कुछ चीज़ अभी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मुझे नॉर्मली राई के तेल से यूज़ करना पड़ रहा है, बिकॉज मुझे ना खास कर क्या है, घी का ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। आप ये सब चीज़ों में ना खास कर घी का यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। तो मेरे पास जो चीज़ें मैं वो करिए, ये देखिए तो ये देख सकते हैं आप, मैंने फ्राई पैन यूज़ कर लिया है, फ्राई पैन पे ये ज़्यादा अच्छा बन जाएगा कम ऑयल में, और बहुत टेस्टी। और ये देखिए मेरा ये पैटर्न जो रेडी हो गया है, इसको मैं डाल ले रही हूँ
तो यहाँ पे जो है मैं आलू नहीं डाल रही हूँ डोसे में। डोसे का रेडीमेड पैटर्न आता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था पैकेट में। सो मैं इसमें आलू वगैरह नहीं डाल रही हूँ, मुझे आलू नहीं इतने पसंद है डोसे में। तो मैं नॉर्मली ना, आप जब ये पैटर्न बना बनाया आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। नॉर्मली आप, मैंने ऑयल डाला है, घी नहीं अवेलेबल था, तो आप घी से बनाइए, एक बार ट्राई करिए। एंड सब्जी कुछ थी नहीं, नहीं तो इसमें ना आप जितने हो सके उतना वेजिटेबल्स डालिए। जब आप पैटर्न तैयार करते हो उसी में आप छोटे छोटे सारे वेजिटेबल्स काट के डालें, एंड उसके बाद आप ना इसी तरह से फ्राई पैन में डालें, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से अगर आप खाएंगे तो ये जो है ना हेल्दी है। और चावल का पैटर्न आता है डोसे का, और रवे का भी आता है, तो रवे का बिल्कुल नुकसान नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ना रवे का यूज़ करती हूँ। और चावल का अगर आप खाते तो खा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है चावल का। और इस तरह से आप बनाइए तवे पे, और फ्राई पैन है आपके पास तो उसमें खासकर जो है ना कम से कम ऑयल में जो है ना आपका डोसा बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। तो इस टाइप का डोसा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है बिना आलू के, आप बहुत ही जल्दी 5 मिनट में जो है ना बना सकते हैं। चाहे तो आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, चाहे तो आप डिनर में खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और नॉर्मली मैंने आज ये बनाया था, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर हेल्दी रेसिपी ही मैं, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल में मैंने ज़्यादातर बनाती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये भी शेयर कर रही हूँ। सो ये वाला डोसा देख सकते हैं, सेकंड वाला मेरा रेडी हो चुका है। होप आप लोगों को पसंद आएगा, लाइक करिएगा ज़रूर। रेडी हो चुका है, दो डोसा आपने भी बनाया है, आप घी से बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ये देखिए मेरी बेटी ना पागल हो गई है, मैंने पुराने ओल्ड वीडियोस देख रही हूँ। और ये देखिए जब तक मैं डोसा बना रही थी, मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया, बिस्तर पूरा, बेड वगैरह जो है ना पूरा सही कर दिया है, देख रहे हैं, पूरा सही कर दिया है। और इनके डैड आए थे, आप लोग को बताया था, अभी आप लोगों से बात भी हुई थी, अभी चले गए हैं, अपने फ्रेंड के यहाँ बुलाया था उन्होंने, तो ये समझ लीजिए। और सारे कपड़े देखते हैं, अभी आपको घर में हर जगह कपड़े मिलेंगे। तो बोल बोल के तो मैं थक गई हूँ, बस मेरा काम है, मैं रख देती हूँ, कितना बोलूँ मैं थक चुकी हूँ। सो चलिए डिनर किया जाए। सो बताती हूँ टेस्ट कैसा है, और फर्स्ट बाइट आप लोग के लिए। यम्मी, मैं बिल्कुल नॉर्मल वो डाला है राइस तेल, ऑयल कम ही डाला है, बाकी अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगी। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो वेजिटेबल्स डाल के बनाऊंगी। कौन सी रेसिपी आप चाहते हैं मुझसे, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, तो कमेंट बताइए, कमेंट्स करके बताइएगा आप कौन सी रेसिपी चाहते हैं। सो आप लोग बताइए कौन कौन मेरी ये रेसिपी जो है ना एक बार ट्राई करेगा, और किसी किसी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है एक बार ज़रूर बताइएगा। मैंने खुद तो खाया, साथ में मेरे बच्चों को थोड़ा मैंने अच्छा खाया, तो उनको इतना ज़्यादा पसंद आया, सो मैंने उनके लिए भी फिर मैंने बाद में बनाई हुई थी, और वो मैंने नहीं शेयर किया था ऑलरेडी। और बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल में। अगर आप पहली बार आएँ तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ब्लॉग्स और कुछ इंटरेस्टिंग जो है किसी भी अच्छे टॉपिक्स पे जो है आप लोगों से मिलूंगी।